Hello everyone, like today Telereporter is again with your favorite celebrity Tanvi Dogra. So let's check it out what she has to show in her new home. So let's check it out. Hello Tanvi. Hi. Welcome home. So we will be visiting your home. So let's check it out what you want to show to us. Okay. So first of all, welcome to Dogra's abode. तो सबसे पहले मेरे घर की शुरुआत होती है मेरे गणपति जी से जो एंट्रेंस पे ही हैं. एंड देन ये गोवा से लेके आई थी मैं, तो ये गोवा की थोड़ी याद है. और ये मुझे मिला था मेरे फेयरवेल पे व्हेन आई वेंट टू चंडीगढ़ बॉम्बे छोड़ के फर्स्ट टाइम. और ये हमारा है डाइनिंग एरिया छोटा सा. और ये जो भी आपको ये दिख रहे हैं शोपीसेस वगैरह और पेंटिंग्स, ये मेरे भाई ने सब कुछ डेकोरेट किया है. ये भी, एंड दिस इज़ द लिविंग एरिया. और इसमें जो ये है, ये मेरा फेयरवेल गिफ्ट मुझे मिला था, ये भी जब 10th स्टैंडर्ड में मैं थी और 10th स्टैंडर्ड से मैं जा रही थी चंडीगढ़. मैंने 10th स्टैंडर्ड बॉम्बे से किया है. तो और ये जो मेरी ट्रॉफीज़ हैं, दो ट्रॉफीज़, ये दोनों मुझे डांस में मिली हैं बिकॉज आई लव डांसिंग. और मैं स्टेज शोज़, मतलब स्टेज पे परफॉर्म करती रहती थी. तो ये है, देन प्लीज़ कम. ये जो वॉच है बॉल क्लॉक, ये मेरे भाई ने मंगवाई है बिकॉज ये वो वाला ओल्ड लुक देती है, रस्टिक लुक जो स्टेशंस पे हमें देखने को मिलती थी ये वॉचेस. अभी तो वो पे भी चेंज हो चुका है. अच्छा, तो ये जो पेंटिंग है राधा कृष्णा की, ये एक्चुअली एक कपड़ा है उसके ऊपर ये पेंटिंग है, उसको हमने फ्रेम करवाया. तो ये मेरे मम्मा ने किया हुआ पूरा या. और जो ये वाली पेंटिंग है, ये भी मेरे मम्मा ने ली थी, एब्स्ट्रैक्ट अगर आप कह सकते हो या फिर मॉडर्न आर्ट. तो ये रेड और ब्लैक का थीम, क्योंकि हमारा रेड एंड ब्लैक ही हमने लिविंग एरिया को कलर दिया है. या सो कलर स्कीम वॉज डिसाइडेड बाय माई ब्रदर एंड मॉम टुगेदर. तो पहले हमने सोफे बनवाए इस कलर के, और उसके बाद हमने कर्टन्स लिए गोल्डन, इट्स ऑफ वाइट एंड मरून कलर्स. या इसलिए इससे मैचिंग हमारी ये वाली पेंटिंग भी है और ये वाली पेंटिंग में रेड का टच आपको हर जगह दिखेगा थोड़ा थोड़ा. तो हमने वॉल भी, एक वॉल भी रेड करवा ली और इसके साथ हमने ये भी रेड करवा लिए हैं मेरी ये भी रेड है. सो ऑल वॉज डिसाइडेड बाय माई मॉम एंड माई ब्रदर. दिस इज़ बेसिकली अ पेन स्टैंड, बट मैंने कोई पेन रखा नहीं है उसे, पीछे वाले में मैंने सारे पेन्स रखे हैं. और ये बहुत ही क्यूट है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था अपने बर्थडे पे, सो मैंने ये लगाया है. एंड दिस इज़ मी इन माय कॉलेज व्हेन आई वाज डूइंग अ मॉडलिंग, लाइक मॉडलिंग एज सच मॉडलिंग नहीं, जो कॉलेज में आपके फेस्ट होते हैं उसमें आप मॉडलिंग करते हो, तो वो. सो आई वॉज दैट चबी. और बस, और जो ये है, ये भी एक जो की स्टैंड है वो मेरे मामू लेके आए थे, तो इसमें लिखा भी हुआ है नाइस टू हैव दीदी एंड जीजा जी लाइक यू. तो मेरे मामू लेके आए थे ये शिमला से. सो यूजली आपको वाइट लाइट्स मिलती हैं आपके घरों में, लेकिन ट्यूब लाइट्स होती हैं मोस्टली, पर मेरा जो भाई है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखता रहता है एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विद दिस येलो लाइट्स. तो उसने पूरे घर की लाइट्स चेंज करवा दी हैं, मतलब ट्यूबलाइट है लेकिन हमने ये येलो लाइट्स लगवाई है स्पेशली. सो ही इज़ ऑब्सेस्ड विद दैट. तो किचन से लेकर बाथरूम से लेकर पूरे रूम्स की लाइट्स उसने येलो करवा दी हैं, बट इट रियली गिव्स यू द वॉर्म इफेक्ट, तो अच्छा ही लगता है वो दिखने में. सो नाउ लेट्स कम टू माई फादर्स रूम जहाँ मेरा शो चल रहा है अभी फ़िलहाल. तो ये मेरे पापा का रूम है which has everything, I think. compact, papa.
उनकी अलमीरा, उनकी एसी, उनका मंदिर, उनका टीवी, उनका बेड, सब कुछ है यहाँ पे छोटी सी जगह में. और मम्मा पापा की फ़ोटो भी है. नर था वो, पागल हो गया था इनको पेंटिंग्स दिखा दिखा के, इनको कोई पसंद नहीं आ रही थी. एंड में मेरे भाई ने ऑनलाइन निकाली है ये, और उसको ये बोला है कि ये हमें इतना डायमेंशन में बना के दे. तो या ये मेरे भाई और मेरी मम्मा ने बनवाई है. और यहाँ पे बैठ के भी, मतलब मेरे फ्रेंड्स जब भी आते हैं तो ये पूरा रूम बुक हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है. ये भी मेरे भाई ने ही डिसाइड किया था, बिकॉज़ उसको ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, तो उसने ब्लू के साथ ब्लू एंड येलो कलर के कर्टन्स उसी ने डिसाइड किए. और तो ये ड्रीम कैचर मेरे पुणे के फ्रेंड्स ने मुझे दिया था पिछले साल, तो इस बार भी वो आने वाले हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इस बार कितने गिफ्ट्स होंगे, क्योंकि पिछली बार भी खूब भर के गिफ्ट्स आए थे मेरे लिए पुणे से. हाँ, घड़ी भी, ये भी और मेरे पापा के जो रूम में घड़ी है, दोनों मेरे भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं बहुत सर्च करके. और हाँ, ये थोड़ा बॉयश लुक देता होगा उसको, इसलिए उसने ये ऑर्डर किए हैं. हाँ, ये भी मेरे भाई ने ऑर्डर किए, ऑनलाइन ऑर्डर किए हमने ये प्लस मेरे भाई मेरे पापा के रूम की, और हमारे जो ड्राॅइंग रूम में है वो भी. तीनों वॉचेज़ हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं. और जो मेरे पापा की वॉच रूम की क्लॉक है, वो भी एक सिंबल है, क्योंकि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, तो उस पर जो है कॉइन्स बने हैं. तो मेरा भाई बहुत सोच समझ के चीज़ें लेता है. ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है, बस मेरा बेड है, इस साइड पे मैं सोती हूँ, तो मैं यहाँ पर ही बैठी रहती हूँ और यहीं पे सोती रहती हूँ. जब मेरी छुट्टी होती है मैं 11 बजे से पहले नहीं उठती हूँ. तो मैं बहुत ही सोंधू हूँ. और हाँ, यहीं पे बैठ के मैं टीवी देखूँगी, सब यही करती रहूँगी, फ़ोन देखती रहूँगी, तो यही मेरा फेवरेट कॉर्नर है अगर आप पूछोगे तो. हाँ, सो थैंक यू गाइस फॉर विजिटिंग माय होम. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और आपको पता चला कि मेरे घर में क्या क्या है, क्या है और कैसे कहाँ पे चीज़ें हैं. सो रियली हैप्पी टू शो यू ऑल. थैंक यू.